हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रशांत सर। आपके अपने चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट बाय प्रशांत सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सीपी नेट 2023 के बारे में, जो सैफई यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कुछ कोर्स के लिए, जिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जारी किया है। आज हम लोग आपसे बात करते हैं और जानकारी लेंगे कि इसका फॉर्म कब ऑनलाइन हो रहा है, इसकी लास्ट डेट कब है और कितनी क्या फ़ीस लग रही है और किस किस कोर्स पर आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपी नेट 2023 इसका फॉर्म आया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी सैफई इटावा में स्थित है। और किस कोर्स के लिए और इसकी ऑनलाइन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं कि 27/6 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। और ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है इसकी 17/7/2023 है। और इसकी परीक्षा भी बहुत ही जल्द दी गई है, 30/7/2023 को। लगभग आप ये समझिएगा कि आपके पास केवल 1 मंथ ही है तैयारी के लिए, तो आप हो सके जल्दी जल्दी फॉर्म ऑनलाइन कर दें और आप तैयारी भी स्टार्ट करिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं कि इसमें जो हम ऑनलाइन करेंगे उसकी सबसे पहले देखते हैं कि फ़ीस कितनी लग रही है, वो जानकारी लेते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है और कितनी सीट पर ये इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। वैसे तो इस बार काफ़ी चेंजमेंट किए गए हैं कोर्स में, 3 ही कोर्स इन्होंने रखे हैं। पहले कोर्स काफ़ी रखते थे, अब नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहाँ की तरफ से एग्ज़ाम हो चुका है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो चुका है और एग्ज़ाम दिया होगा, उसका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया उसका। ओके, तो इसमें देखते हैं कि जो आवेदन जो शुल्क हैं, जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट हैं, उनका जो फीस जो रहेगा इन्होंने रखा है 3,000 रुपये। और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी जो इतने भी स्टूडेंट, उनका फीस रहेगा इसका 2,000 रुपये। मीन्स आवेदन शुल्क, मीन्स ऑनलाइन शुल्क जो रहेगा उसका कितना है, 2,000 रुपये। जैसे कि लिखा है डायरेक्टली साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि इसका आवेदन शुल्क रहेगा। ठीक है, और जो एससी एसटी वर्ग के बच्चे हैं साथ में पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उन्हें 2,000 रुपये फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा जो ऑनलाइन चार्ज लगता है वो आपका अलग से लगेगा इस फीस में, ये तो केवल आपका डायरेक्टली शुल्क जो है यूनिवर्सिटी के खाते में ही जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो उन्होंने कोर्स रखे हैं कि किस किस कोर्स पर आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, वो हम लोग देखते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो देखो, इसके पाठ्यक्रम जो दिए गए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो बी फार्मा, जो कि फर्स्ट है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये आपका एक कोर्स है जिस पर सीटों की संख्या 60 है। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, तो आप 10+2 जिसमें आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अथवा गणित से, ये भी याद रखें, गणित वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अंग्रेजी जो विषय है वो उसका होना 12th में अनिवार्य है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। साथ साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, साफ लिखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी ये 17 वर्ष से कम है वो अप्लाई ना करें। ओके, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे हम आपको और बताएंगे, वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा पूरा देखते रहें कि और क्या क्या है इसमें, वो भी देखते हैं। और दूसरा जो इसका आपका कोर्स उन्होंने रखा हुआ है इस बार, GNM, ये नर्सिंग का ये भी कोर्स है जो 3 साल का है। इसकी सीट जो रखी गई हैं वो कितनी है, 60 है। इसमें भी 10+2 है और इंग्लिश, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मस्ट है इसमें। और साथ साथ उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि आपके 12th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके 40% नंबर होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें से आपके नंबर 40 होना अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे के 40 में से कम नंबर आए हैं तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ओके, और साथ साथ और भी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हैं कि कहाँ कहाँ से आपने किया हो, क्या है, वो भी आप इसे पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ें इसमें। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है, थर्ड
नर्सिंग का ही कोर्स है, ओके। ANM ये आपका 2 वर्ष के लिए है। इसमें आप एक बात देख सकते हैं, ये केवल महिलाओं के ही लिए है, जो फीमेल्स हैं वही इसमें अप्लाई करेंगी फॉर्म को। 10+2 आर्ट्स स्ट्रीम से भी हो सकते हैं आप, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ठीक है, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी सब्जेक्ट, और साथ में इंग्लिश कोर ये भी दिया गया है, ठीक है। और भी इसमें दिए गए हैं, अगर ये आपने 12th क्लास का सब्जेक्ट हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। केवल फीमेल्स के लिए एक कोर्स है, ओके। आगे देखते हैं, इस प्रकार जो टोटल सीट हैं बी फार्मा, ANM और ZNM की मिलाकर के 170 सीट हैं। 3 ही कोर्स पर उन्होंने फॉर्म मांगे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बार चेंजमेंट काफ़ी किया गया है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है कि 4 साल का कोर्स होता ही है, ठीक है। कैसी कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो भी उन्होंने बताया है, ठीक है। ZNM ANM के लिए वो भी आप इसे आसानी से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें इसका एग्ज़ाम तिथि जो है वो कब है, जो आपको बता दी गई है कि 30 जुलाई जो है बहुत ही नज़दीक आ रही है। आपका केवल एक ही मंथ बचा है उसमें आप तैयारी के लिए, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी आप नज़दीक ऑनलाइन सेंटर से जाकर के आप इसे ऑनलाइन करा सकते हैं फॉर्म को। अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो शेड्यूल है वो किस तरह से और किस मोड में परीक्षा होगी आपकी, और वो हम जानते हैं। देखिए डेट तो उन्होंने फिक्स कर दी है कि 30 जुलाई को वो आपका एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। जो टाइम जो रहेगा, जो मॉर्निंग मीटिंग का जो रहेगा, 12:30 बजे से है, ठीक है। और ये इसका टाइम पूरा दिया गया 12:30 बजे से, और 2:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड भी डिवाइडेशन किया गया है कि जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट रहेगा, और जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम के हैं उनके लिए पेपर सेकेंड रहेगा। देखते हैं, जो पेपर फर्स्ट है लिखा हुआ है साफ, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उसमें आपको फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायोलॉजी और मतलब अथवा मैथ। अगर मैथ का है तो मैथ आएगा उसके लिए, क्योंकि भरा जाएगा, पहले से भर दिया जाता है। और अगर वो बायोलॉजी से है तो उसके लिए बायोलॉजी क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन 33 रहेंगे, केमिस्ट्री के भी 33, और जो बायो और मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे वो कितना आएंगे, 34। एक बार आप फिर समझिएगा, अगर स्टूडेंट PCB मतलब बायोलॉजी से है तो 34 बायोलॉजी के आएंगे, अगर बच्चा PCM मैथ से है तो 34 क्वेश्चन आएंगे, ओके। देखते हैं सेकेंड पेपर, जिसमें ओनली फॉर आर्ट्स, कॉमर्स या अदर स्टूडेंट उनके लिए हैं। इसमें क्या है, आपको हिंदी पूछी जाएगी, जो कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी रहेगी आपकी, जो आपने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रखी है वही रहेगा, उसी बेस पर रहेगा, जिसके 20 क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे। जनरल इंग्लिश, इसके 20 क्वेश्चन पुटअप रहेंगे, और सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन पुटअप रहेंगे, ओके। ये आपको करने होंगे इस बेस पर। इस तरह से जो आपका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है, साइंस स्टूडेंट के लिए, आर्ट स्टूडेंट के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है वो आपको बताए गए हैं, और ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, ओके। इस तरह से आगे देखते हैं कि आप जो फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या क्या है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नोट इसका दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय संबंधित प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकेंड उपलब्ध कराया जाएगा। आर्ट के लिए आर्ट का जो रहेगा, आपने ऊपर देखा है जिस तरह से, और अगर साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस का पेपर रहेगा। आप देख सकते हैं कि आप किसके लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ से देखिएगा, आप बी फार्मा, ZNM, ANM, अगर इसके लिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका कोर्स देख लीजिए, आपको जो क्या क्या आया, क्या क्या पूछा हो जाता है। आपने इंटरमीडिएट जो की होगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी जो होगी साथ में आपका इंग्लिश रहेगा, और इंग्लिश में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें और देख लें। साथ में अगर उसके पास मैथ है, ठीक है,
तो PCME मतलब इंग्लिश भी उसके पास रहेगी, तब भी सिर्फ मैथ और बायो का चेंज है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैथ वाला बच्चा भी डाल सकता है और अगर वो बायो वाला है तो वो भी डाल सकता है। ओके, बी फार्मा के लिए, ZNM के लिए और ANM के लिए। ओके, आगे देखें, अगर आर्ट स्ट्रीम से कर रखा है, जैसे आर्ट्स उसके पास कॉमर्स है या अदर है, तो उसमें वो ANM और ZNM के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही है सेम जो आपका बताया गया कि हिंदी का आएगा, उसमें हिंदी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस जो रहेगा, ठीक है, या जनरल साइंस जो रहेगा वो 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ है। आगे थोड़ा और देख लेते हैं कि इसका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या क्या रहेगा। और एक बात और कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो ख़ास तौर पर फीमेल्स, ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स होना है, तो कोई डाई मेहंदी फिंगर्स पर या क्रीम वैक्स क्रीम वगैरह का यूज़ ना करें एग्ज़ाम से पहले पहले, इस बात का ध्यान रखें जिससे कि आपका जो आधार स्कैन होगा वो आसानी से हो सके। अगर ऐसा हो तो आधार स्कैनिंग में प्रॉब्लम्स आती है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। ओके, बाकी रिजर्वेशन कैसा क्या रहेगा आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट जो दिया गया कि सफल अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये जाति प्रमाण पत्र अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको लगता है कि आपका होगा, तो आप पहले से ही बनने के लिए डाल दें, 15 दिन पहले से डाल दें, जिससे आपका बनकर तैयार हो जाए नया। ओके, इसमें लिखा भी है, वो भी देख लें कि अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, जैसे OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी है, जनरल का नहीं बनता है, तो उन्हें क्या है कि ये जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसकी अंतिम तिथि जो बना हुआ वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, मीन्स आप अभी अगर आपका पुराना है तो आप उसे बनवा सकते हैं। ओके, एडमिट कार्ड आपके जारी किए जाएंगे इस वेबसाइट पर एग्ज़ाम से पहले पहले, एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले पहले आप डाउनलोड करेंगे। ओके, आगे देखते हैं परीक्षा का जो परिणाम रहेगा किस तरह से रहेगा। पहले परीक्षा आपकी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, ठीक है, और काउंसलिंग के टाइम पर आपको 500 रुपये जमा करने होंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी। ओके, ये भी याद रखें। एडमिशन सिस्टम की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी वो पूरा लिखा हुआ है, आप इस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, कौन कौन से स्टाम्प लगेंगे इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। 10-10 रुपीज़ के जो नॉन जो जुडिशियल हैं स्टाम्प पेपर रैगिंग ना करने के लिए लगेंगे, ठीक है, इन पर भी आप बनवा लें। आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, ये भी आप देख लें, ठीक है, और फ़ोटो वाला ही हो, अगर नहीं हो तो आप दोबारा से उसे डाउनलोड करवा सकते हैं, आसानी से हो जाता है। ओके, उसके बाद जो कोर्स फीस है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी फ़ीस कितनी लगनी है यूनिवर्सिटी में, वो पूरा डिटेल दिया गया है कि कितनी फ़ीस लगनी है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जो टोटल फ़ीस का अमाउंट जो दे रखा है वो 25,000 दे रखा है, ठीक है, तो ये फ़ीस ही है। उसके बाद स्कॉलरशिप के ज़रिए भी वापस आ जाती है, और आप अगर वहाँ पर पढ़ रहे हैं हॉस्टल वगैरह में रहे तो उसका एक्स्ट्रा फीस चार्ज लगता है, उसका भी देख सकते हैं आप कितना फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। जो आपका एग्ज़ाम्स होगा वो CBT मोड होगा, मतलब आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसका भी विशेष ध्यान रखें। बाकी आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको विशेष जानकारी जो भी है वो अवगत कराई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।